छतरपुर में 21 अगस्त को मुस्लिम भीड़ के द्वारा एक ज्ञापन देने के दौरान सिटी कोतवाली पर किए गए पथराव के मामले में पुलिस लगातार कार्रवाइयां कर रही है। इस मामले के मुख्य आरोपी शहजाद हाजी का 5 करोड़ रुपए का आलीशान मकान गिराने के बाद पुलिस ने इस मामले में 46 में से 29 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि हाजी शहजाद अली अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन इस मामले में मौलाना इरफान सहित 7 और आरोपियों को शनिवार के दिन पकड़ लिया गया। इस मामले में पुलिस अब तक 46 लोगों पर FIR दर्ज कर 29 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 150 अज्ञात लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने शनिवार को इस मामले में नईम खान, अंजार रायन, जाबिर अली, मोहम्मद महमूद रजा, शेख फैजान, मोहम्मद इरफान और नाजिम चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तारी के पहले इन सभी आरोपियों को सिटी कोतवाली से जिला अस्पताल ले जाया गया और इसके बाद इन्हें जेल भेज दिया गया। जेल जाने के दौरान मोहम्मद इरफान भी मीडिया के सामने आया। ये वही मोहम्मद इरफान है जो कि छतरपुर में बतौर मौलाना काम करता है। 34 साल के मोहम्मद इरफान ने ही घटना के एक दिन पहले एक वीडियो जारी करते हुए लोगों को उकसाने की कोशिश की थी। मोहम्मद इरफान ने इस दौरान मीडिया से संक्षिप्त बात करते हुए अपने गुनाह को कबूला और कहा कि उससे गलती हुई है। जो बीच में कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने हमारे प्रशासन पर पत्थरबाजी करी, उसके लिए हम सब तो खेद हैं, उन सब की सजा हम लोग भुगत रहे हैं। तो आप मानते हैं गलती है? आप लोग बिल्कुल गलती है। इस मामले में छतरपुर CSP अमन मिश्रा का बयान सामने आया है। CSP अमन मिश्रा ने कहा कि अब तक इस मामले में 46 में से 29 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। पुलिस की कई टीमें हैं जो इस मामले में गिरफ्तारियों की कोशिशों में जुटी हुई हैं। सुनिए CSP अमन मिश्रा ने क्या बताया। टोटल कितने लोग गिरफ्तार हो गए हैं? कल तक 22 लोग गिरफ्तार हो चुके थे, आज 5 लोग को और गिरफ्तार किया गया और 2 की और पुलिस रिमांड ले रहे हैं, तो इन टोटल 29 गिरफ्तारियां हो गई हैं। सर कितनी पार्टियां बनी हुई हैं अभी, कितनी गिरफ्तारी की? गिरफ्तारी के लिए जिले स्तर पे पार्टियां बनाई गई हैं पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में। 3-4 पार्टी एक साथ पैरेलल काम कर रही है, एक पार्टी साइबर पे कर रही है, एक पार्टी CCTV फुटेज व्यू करने में काम कर रही है और एक पार्टी सूचना संकलन का काम कर रही है। तो पूछताछ में सत्या निकल कर आया है, ट्री प्लानिंग घटना को अंजाम दिया, बहुत सारे लोगों से सतत पूछताछ की जा रही है, अलग अलग एंगल निकल के सामने आ रहे हैं। अभी किसी भी एक थ्योरी को पुलिस कंफर्म नहीं कर सकती है, परंतु कई प्रकार की चीजें आ रही है कि या तो सुनियोजित तरीके से था, ये भी कह सकते हैं कि बाहर के कुछ लोग इसमें शामिल थे। पुलिस अभी हर एंगल की बारीकी से जांच कर रही है। कई जगह पर आरोपियों के घरों में ताला भी अब डल गया है, भाग रहे हैं आरोपी। हमारा हमने पुलिस छतरपुर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, यदि आप निर्दोष हैं, आप घटना में शामिल नहीं थे, तो कृपया कर अपना जीवन सुचारू रूप से चलाते रहें और जो भी कार्रवाई हो रही है वो उन्हीं लोगों पे हो रही है जो घटना में शामिल। अभी तक कितने लोगों पर FIR गिरफ्तार? 46 लोगों पे नामजद FIR है, लगभग 150 अन्य हैं और आपको जैसा बताया 46 में 29 हो चुके हैं।